कौन से मुल्क हैं जो फेल्ड स्टेट माने जाएंगे, जो फेल्स हो जाते हैं ना। पाकिस्तान के बारे में इनका 8% है। आपके खिलाफ तो इंडिया भी अब साजिश करने के लिए तैयार नहीं है। मुझे इंडिया के थिंक टैंक जो हैं उन्होंने कहा कि आप मुआशी तौर पर इतने तबाह हो जाएंगे कि आपसे लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, तुम खुद डूब रहे हो तो हमें आपको क्या करने की जरूरत है। थर्ड प्लेस पे पाकिस्तान है। वो कह रहे हैं कि 2033 में पाकिस्तान विल बिकम ए फेल्ड स्टेट। एटॉमिक पावर ऐसे है जो कि बड़े अरसे से घुटनों के बल है और मांग मांग कर गुजारा किया जाए। एंड इंडिया इज बेटिंग कि इंडिया के लिए ये फायदेमंद होगा ये ट्रांजिशन, कि इंडिया इज गोइंग टू कम आउट मच बेटर इन 2023-25। जब भी ये टर्बुलेंस खत्म होता है, एट द एंड ऑफ द टर्बुलेंस इंडिया विल बी बेटर पोजीशन। पाकिस्तान इज एक्चुअली सप्लाइंग वेपन्स टू यूक्रेन। क्यों? अमेरिका से पैसा मिल रहा है। फिर इन्होंने अपने मुल्क की जो डिप्लोमेसी, अपने फॉरेन पॉलिसी है, सस्ते दामों में बेच दी। ये डबल स्टैंडर्ड क्या है कि चाइना के मुसलमानों के लिए आप नहीं बोलेंगे और आप इंडिया के मुसलमानों के लिए बोलेंगे, आप यूरोप में मुसलमानों के लिए बोलेंगे, आप चीन के मुसलमानों के लिए नहीं बोलेंगे। ये तो डबल स्टैंडर्ड है। आपकी सारी की सारी जो इस्लामोफोबिया की बहस है वो इंडिया, यूरोप और अमेरिका के इर्द गिर्द, वो चाइना में क्यों सवाल नहीं करते? इंडिया हमारा मजाक उड़ाता है। आप कल का देख लेना, मोदी अब हमें बदनाम कर रहा है जी, मैंने इनको कटोरा लेके जगह जगह पे भिखारी बना दिया। आटे के लिए लंबी लंबी कतारें हम देख रहे हैं, खासतौर से बलूचिस्तान में। इस वक्त क्वेटा में बहुत बुरी सूरत हाल है, अस्पतालों में ऑपरेशन बंद हो गए हैं। मेयो अस्पताल लाहौर में एक हफ्ते से ऑपरेशन बंद है और कहा जा रहा है कि वो एक बार फिर से इंडिया के साथ मिलना चाह रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के जो फॉरेन ऑफिस है और उसके जो कॉन्सुलेट्स हैं पूरी दुनिया में, उनसे तो एक ट्विटर अकाउंट नहीं संभाले जा रहे अपने। फॉरेन ऑफिस ने कल कहा है जनाब के जो पाकिस्तान का जो कॉन्सुलेट जनरल है चेंगडू चाइना में, वहाँ पे जनाब हमारा ट्विटर अकाउंट हैक हो गया, हमसे गलती हो गई है। और सुनने में ये भी आ रहा है कि इंडिया पाकिस्तान के US एम्बेसी और इन तीनों एयरपोर्ट को खरीदने में इंटरेस्टेड है। मेरे भाई देखो, बात सीधी सी है, जब तक बिकने वाले बिकने के लिए तैयार हैं, खरीदने वाले को आप गालियां दे करके उसका मुंह नहीं बंद करा सकते। देखिए, एक तो रिपोर्ट एक ऐसी आई अटलांटिक काउंसिल की तरफ से कि जिसके ऊपर उसमें काफी जो कंट्रीज हैं उनके मुतालिक प्रेडिक्ट किया गया है या उनके मुतालिक एनालाइज करके बताया गया है, और ये कहा गया है कि कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जो कि अनकरीब अगले एक दो सालों में कोलैप्स कर जाएंगे, जबकि कुछ ऐसे हैं कि जो फेल स्टेट कहलाएंगे। इस तरह की एक तफसीली रिपोर्ट है, लेकिन क्योंकि इसमें अब US की तरफ से इस तरह का कोई चीज आना तो उसके ऊपर फिर बड़ी नजर होती है सबकी, इसलिए पाकिस्तान के हवाले से भी कुछ कहा गया। तो डॉक्टर साहब, आप ये भी बताइए कि ये जो अटलांटिक काउंसिल है ये कैसा ग्रुप है और ये जो एक रिपोर्ट है इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, अटलांटिक काउंसिल एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल थिंक टैंक है वाशिंगटन डीसी में। वाशिंगटन डीसी में बहुत सारे थिंक टैंक्स हैं और तकरीबन आप कह सकते हैं कि 200 से 300 तक बाअसर थिंक टैंक्स हैं, इन्फ्लुएंशियल थिंक टैंक्स हैं। मैं 5-6 साल तक ब्रुकिंग्स में था, नॉन रेजिडेंशियल फेलो और फिर सीनियर फेलो भी था, तो इट इज़ कंसिडर्ड द बेस्ट थिंक टैंक। सो आई हैव सीन द वर्ल्ड थिंक टैंक की फ्रॉम द टॉप ऑफ इट। और मैं आपको बता सकता हूं कि जो एक्सेस गवर्नमेंट को थिंक टैंक्स में है वो किसी को नहीं है, अनलेस यू आर ए वेरी बिग डोनर या CEO ऑफ ए वेरी बिग फर्म, आपको उतना एक्सेस नहीं मिलता जितना थिंक टैंक्स को मिलता है। कि एक तो रशिया इज मोस्ट प्रॉब्ली गोइंग टू बिकम ए फेल्ड स्टेट, उसके बाद अफगानिस्तान है और थर्ड प्लेस पे पाकिस्तान है। वो कह रहे हैं कि 2033 में पाकिस्तान विल बिकम ए फेल्ड स्टेट। मतलब आप देखें कौन सी चीज बराबर गवर्न हो रही है in Pakistan at the moment. If Pakistan is not currently a failed state, I am at least sure that it's a failed governance to zarur hai. Aur 23 tak breakup ki baat kar rahe hain to 40% keh rahe hain. To ye speculative hai, but it also gives you an idea, kyunki yehi think tanks ke log hai jo prominent magazines mein likhte hain, foreign affairs mein, foreign policy mein, न्यू यॉर्क टाइम्स में, जो मेन पॉलिसी मैगजीन्स है, जर्नल्स है। और ये हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है कॉल्ड द रिवॉल्विंग डोर, जो थिंक टैंक का दरवाजा होता है वो रिवॉल्विंग होता है। क्या इसलिए कि कोई लोग आए हमारे तमाशे बनाए, अंग्रेज इधर आए वो घूम फिर कर वो हमें कहें कि ये बहुत निकम्मे आदमी है? क्या इसलिए कि ये मुल्क हमेशा ऐसे ही रह जाए? क्या इसलिए कि अगर कोई थोड़ी सी किसी की हुकूमत रहे तो ठीक है, अगर किसी की हुकूमत चली जाए तो कहे अब ये हुकूमत गलत है? इसलिए नहीं, हमने ये हुकूमत, ये मुल्क इसलिए कैदी आजम ने चुना था क्योंकि हम यहाँ सर उठा कर जिए, किसी के आगे हाथ फिला कर ना जिए।
आज अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, अब देखें कि लोग बेरोजगार ज्यादा हैं। हर जो भी हुक्मरान आता है कहते हैं हम नौकरियां देंगे, हमें नौकरियां नहीं दी जा रही। मेरे भाई की मैट्रिक है, मेरे दूसरे भाई की मैट्रिक है, मेरे एक कजन की 16 पास है, मेरी दूसरी कजन भी 16 पास है। हमारी यहाँ इतनी पढ़ाइयां हमने की, खर्चे किए, मगर हमारी नौकरी नहीं लग रही। उसके हैं इमरान खान की बात सुन ले तो वो कहते हैं इया कनाउदू इया कनस्ताइन, नवाज शरीफ की बात सुन ले तो वो कहते हैं मैं पाकिस्तान का खैर खा हूँ, जरदारी की बात सुन ले तो वो कहते हैं मैं पाकिस्तान का खैर खा हूँ। कौन है पाकिस्तान का दुश्मन फिर मुझे बताए ना। हम हमारे गरीबों का जो सवाल है, किसी मैं पार्टी की तरफ से नहीं बोल रहा, मतलब कोई समझेगा किसी पार्टी की तरफ से बोल रहा है, मैं किसी के नहीं से मैं हाँ ये मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि मुझे ये जज्बा किसने अदा किया है वो मैं अगर कुरान मजीद पढ़ा है उसी से जज्बा अदा फरमाया है। कुरान मजीद में अल्लाह ने इरशाद फरमाया है हक के साथ चलो, अगर हक की बात पर आपको मरना भी आ जाए तो मौत भी कबूल है। आज हमने क्या किया, आज हमने किस निजाम के पीछे भागना शुरू कर दिया, हम गरीबों का हक नहीं दिया जा रहा। आपको पता है कि एक बहुत क्राइसिस चल रहा है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, और तालिबान की जानिब से एक स्टेटमेंट आती है कि अगर पाकिस्तान पर यानी कि पाकिस्तान अगर तालिबान पर अटैक करता है या फिर अफगानिस्तान पर अटैक करता है तो उनकी कंडीशन 1971 में जो कंडीशन हुई थी यहाँ पर और सरेंडर करना पड़ा था पाकिस्तान की मतलब जो भी एस्टेब्लिशमेंट थी और जो भी मुआहदे हुए उस तरह का सिनेरियो दोबारा क्रिएट हो जाएगा अगर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर कोई अटैक किया तो। इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान इस वक्त बिहेव कर रहा है, जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल सर्कल सर्कस बनी है, जिस तरीके से इकॉनमी खराब है, उस पर कोई भी कोई लतीफा सुनाया जा सकता है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। ये तो मेरे ख्याल में किसी तालिबान ने लतीफे बनाने वाली बात की है, क्योंकि वो खुद अपने हालात उनके देखें कि अभी तक उनकी एडमिनिस्ट्रेशन को किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया एज ए रजीम। पाकिस्तान से आके डॉलर क्यों लेके जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपनी हर चीज कैश लेनी पड़ती है। इस वक्त तकरीबन 15 मिलियन डॉलर पर डे के हिसाब से पाकिस्तान से स्मगल होकर डॉलर जा रहे हैं। उसमें गलती पाकिस्तान की है, उसकी वजह यह है कि अगर देखा जाए तो इस वक्त पाकिस्तानी खुद पाकिस्तान के साथ सिंसियर नहीं है, उसको सही तरीके से ऑर्गेनाइज करके उसको सही चला नहीं रहे हैं। लेकिन अगर चलाएं तो, लेकिन ये अगर देखा जाए कि अफगानिस्तान के डू समथिंग टू पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट या पाकिस्तान टू डू मिलिटरली, दैट इज मैं समझता हूँ कि ही मस्ट बी लिविंग इन फूल्स पैराडाइज। ये बिल्कुल ही बेतुकी सी स्टेटमेंट है, डजंट मेक एनी सेंस। अफगानिस्तान जाकर पहले हमारे एस्टेब्लिशमेंट जाके उनको जब रशिया आया था, सारी मिलिट्री ट्रेनिंग तो सारी हमारी एस्टेब्लिशमेंट हमारी आर्मी ने सोल्जर्स ने दी थी, आज वही बातें कर रहे हैं। अफसोस है, इसमें हमारी अपनी फॉरेन पॉलिसी की गलतियां हैं, हमारी गलतियां हैं। अफगान महाजरीन को रखना, फिर उनको पूरे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त स्प्रेड हो चुके हैं,